गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई एम मंदाक दुबे लेक्चरर इन सिविल डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर सो टूडे वी विल सी यूनिट नंबर फाइव बेंडिंग एंड शीयर स्ट्रेसेस इन बीम ओके इसके पहले आपने क्या देखा है वी हैव कंप्लीटेड द बेंडिंग पोर्शन है ना बेंडिंग का पार्ट हमने देख लिया नाउ फ्रॉम दिस सेशन वी विल स्टार्ट द शीयर जो शेयर होता है शेयर फोर्स जो डेवलप होता है बॉडी में उसके कारण जो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होती है वो हम देखेंगे ठीक है सो वी विल कवर टॉपिक 5.3, पॉइंट थ्री शेयर फोर्स इक्वेशन मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज इन इक्वेशन रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड एवरेज शेयर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शंस ओके सो वी विल सी द विजन एंड मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट To impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability. To develop social and environmental responsible civil diploma engineers. Effective implementation of teaching learning process to benefit students. We will see the learning outcome that will be achieved during the session.

शेयर आ रहा है शेयर मतलब जो ट्रांसफर्स लोडिंग थी ट्रांसफर्स फोर्स जब हमारे बीम पर एक्ट कर रहा था बीम चाहती नहीं थी कि वो चेंज हो तो उसने क्या डेवलप किए उसने शेयर स्ट्रेसेस डेवलप किए जिन्हें हम शेयर स्ट्रेसेस कहेंगे ठीक है दिस टॉपिक विजुअल वी विल स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ शेयर फोर्स फॉर वेरियस सेक्शंस अब हम क्या देखेंगे हमको पता है क्या पढ़ा है हमने कि जब कोई भी बीम है एग्जाम्पल हम समझेंगे कोई बीम है उस पर क्या आ रहा था एक्सटर्नल बाहर से लोडिंग आ रही थी तो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण क्या डेवलप होते हैं हर सेक्शन पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहे थे ठीक है पर हमने क्या किया बेंडिंग का पार्ट ज्यादा पड़ा क्यों क्योंकि हम कैसा होता है ना कि जैसे हम बहुत बड़ी बड़ी डिजाइंस करते हैं तो हम ये मानते हैं कि बेंडिंग हम ले लेते हैं शेयर फोर्स हम मानते हैं कि बहुत कम हो रहा है बट कुछ डिजाइंस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द शेयर फोर्स ठीक है तो शेयर फोर्स क्या है हमारी बीम थी उस पर ऊपर से क्या आ रहा था परपेंडिकुलर लोडिंग आ रही थी वो लोडिंग के कारण बीम पे क्या डेवलप हो रहे थे हर पॉइंट पे शेयर फोर्स डेवलप हो रहे थे अब ये शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी क्या डेवलप करेगी हर पॉइंट पे शेयर स्ट्रेसेस डेवलप करेगी ठीक है नाउ वी विल सी दजम्पन्स इन शेयर स्ट्रेसेस बेंडिंग स्ट्रेसेस में हमने अजम्पन्स देखा था कि भैया जब हम कोई भी बीम है बेंडिंग के पहले अगर वो स्ट्रेट थी तो बेंडिंग के बाद भी स्ट्रेट रहेंगी दीज वर द दजम्पशंस दैट वी हैड मेड इन द प्रीवियस अब इसमें देखेंगे शेयर स्ट्रेसेस में क्या अजम्पन्स है द मटीरियल इज आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड लीनियरली इलास्टिक हम क्या मानते हैं शेयर स्ट्रेसेस में कि जो हमने मटीरियल लिया है जो हमने बीम लिया है वो क्या है आइसोट्रोपिक है आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि हर तरफ जो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी है वो सेम है ऐसा नहीं है कि इतने लेंथ पे इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी है मतलब या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है ऐसे नहीं है उसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी दे विल बी थ्रू आउट वो सेम रहेंगी ठीक है लीनियरली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जब हम लोडिंग को हटा देंगे तो क्या होगा कि बॉडी विल कम इन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज अब देखेंगे दूसरा द शियर स्ट्रेस इज अज्यूम्ड कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द विद एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल अलॉन्ग द वेब हम क्या मानते हैं शियर स्ट्रेस में ये समझ में आना चाहिए कि हम ये मानते हैं कि जो विद रहता है विद मतलब जो फ्लेंज का पार्ट है आई सेक्शन में आई सेक्शन इमेजिन करो कि ऊपर का जो पार्ट था जो हॉरिजॉन्टल था वो क्या था फ्लेंज था उसको फ्लेंज बोलते हैं दैट इज़ नोन एज द विद तो जो शीयर फोर्स है वो विद के अलोंग क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा और वो चेंज किसके अलोंग होने वाला है वो वेब के अलोंग दैट इज द वर्टिकल पार्ट जो रहेगा उसके अलोंग वो चेंज होगा कैसे चेंज होगा जैसे डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस रहता है ना हम बोलते हैं कि सेंट्रल में जो एक्सिस रहती है न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पर ना कॉम्प्रेशन रहता है ना टेंशन रहता है या कुछ भी एक्ट नहीं करता है तो क्या होगा कि न्यूट्रल एक्सेस के जैसे जैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो क्या होगा डिस्टेंस चेंज होंगी और उसी के साइमल्टेनियसली क्या चेंज होने वाला है शीयर स्ट्रेस हमारा चेंज होने वाला है ठीक है और यहाँ पर क्या बोला है uh, ब्रेथ में क्या रहेगा पैराबोलिक शेप में कैसा रहेगा हमारा जो शेयर स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम रहेगा ये कैसा रहने वाला है ये पैराबोलिक रहने वाला है जैसे बेंडिंग में क्या था पैराबोलिक नहीं था और क्या मानते थे हम कि न्यूट्रल एक्सिस पे वो जीरो रहेगा बट यहाँ पर क्या रहेगा कि शीयर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम रहेगा और स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पर क्या रहेगा शेयर स्ट्रेस जीरो रहने वाला है अब देखेंगे हम फार्मूला शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसके लिए हमको फार्मूला भी लगेगा तो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है स्मॉल क्यू क्यू का मतलब होता है शेयर स्ट्रेस स्मॉल क्यू विल बी इक्वल्स टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी क्या मतलब होता है Q दैट इज द शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू S S का मतलब क्या होता है शीयर फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है जिसको रोकने के लिए बॉडी स्ट्रेसेस डेवलप कर रही है तो S क्या है यहाँ पर शीयर फोर्स ए वाई बार ए वाई बार का मतलब क्या होता है इट इज़ द एरिया एंड वाई बार इज द डेप्थ फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेज जो हम सेक्शन लेंगे उसके सेंड्रॉयड से लेकर न्यूट्रल एक्सेस तक का डिस्टेंस को हम वाई बार बोलेंगे आई इज़ द नथिंग बट द इनर्शिया एंड बी इज द विद ठीक है यहाँ पर देखो Q अब क्या बोलेंगे व्हाट इज Q इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इंड्यूज इन अ लेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई बार फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ए क्या है एरिया ऑफ द बीम अब द लेयर अंडर कंसिडरेशन जो भी लेयर हमने माने हैं उसकी एरिया रहेगी वाई बार इज द डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द एरिया कंसिडर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सेज ए वाई बार इज द मोमेंट ऑफ एरिया अबव द लेयर कंसिडर्ड अबव द न्यूट्रल एक्सेस आई क्या है इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड बी इज द विद ऑफ सेक्शन एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस यानी न्यूट्रल एक्सिस जो जो एक वाई डिस्टेंस पे हमने लिया है विद उसको हम बी बोलेंगे ठीक है उसके बाद हम क्या देखेंगे कुछ सेक्शंस का देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन अब जब हमारा सेक्शन क्या है रेक्टेंगुलर है तो शेयर स्ट्रेस फॉर्मूला कैसा चेंज होने वाला है अब यहाँ क्या बोलेंगे कि फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज वन पॉइंट फाइव टाइम्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस अब ये मानना है ये याद रखना है हमको कि रेक्टेंगुलर सेक्शन जब भी हमें दिया जाएगा तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहेंगी जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहेंगी वो किसको इक्वल रहेंगी विल बी इक्वल टू 1.5 टाइम्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस यानी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 1.5 टाइम्स ज़्यादा रहेंगी किससे एवरेज शेयर स्ट्रेस से क्यों कौन से सेक्शन पे रेक्टेंगुलर सेक्शन पे अब जैसे देखो आपको फिगर दिख रहा है कि क्यू मैक्स क्या है न्यूट्रल एक्सेस पे मैक्सिमम है और पॉइंट जो जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है वहाँ शेयर फोर्स क्या है ज़ीरो है अब देखेंगे शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर सर्कुलर सेक्शन अब सर्कुलर सेक्शन में कैसा है फॉर अ सर्कुलर सेक्शन द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज फोर बाय थ्री टाइम्स द एवरेज शेयर स्ट्रेस यानी सर्कुलर सेक्शन में ये ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि भैया सर्कुलर सेक्शन में क्या है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितने टाइम्स ज़्यादा है एवरेज शेयर स्ट्रेस से तो हाउ मच टाइम्स इट इज ग्रेटर फोर बाय थ्री टाइम्स नावेबल सीधे को ये आपको दिख रहे होंगे डायग्राम्स ये थोड़ा ऑब्जर्व करके देखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकते हैं दीज आर द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सम स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल सेक्शंस ये कुछ स्टैंडर्ड सिमेट्रिकल सेक्शंस है जिस आ, मतलब कि जैसे आपको दिख रहा होगा हॉलो उसका कैसे आने वाला है शेयर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस तरीके से ओके सो नाउ सीधा सम मरी द समरी द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड आर शेयर स्ट्रेसेस अजम्पन एंड शेयर स्ट्रेस